मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास। और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अभी जो 2024 का ये संकल्प पत्र है इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी वर्ग के हैं या उनका आय जैसा भी है वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ पक्का का घर गरीबों का बन चुका है और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब गैस, सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली पीएम सूर्य योजना, लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे जो कि मुफ्त होगा। और ज़्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से एक इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको अब बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज़्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में
और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के इस संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 के इस संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं, और यही उनका जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की ये आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा, और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा, और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा, और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प ये 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं आज स्वसहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है, और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफ़ी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाएं इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है, और विशेषकर ज्ञान, जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है इस संकल्प पत्र में। इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबों पर भी विशेष फोकस इस संकल्प पत्र में होगा। उसी तरह से वाई का मतलब यूथ, देश के जो यूथ हैं, और मुद्रा योजना का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है 10 लाख से 20 लाख, इससे निश्चित रूप से और भी कई योजना इससे युवाओं पर फोकस किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इसके लिए भी बहुत फोकस है 2024 के इस संकल्प पत्र में। और एन का मतलब है नारी, नारी पर विशेष फोकस 10 वर्षों में भी है, और आप सबको मालूम भी है कि 33% का आरक्षण उनको लोकसभा और विधानसभा में भी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मोदी की ये गारंटी है। और सहकारिता से समृद्धि, नई सहकारिता नीति पर भी विशेष फोकस होगा 2024 के संकल्प में। और भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने पर विशेष जोर है। जो कभी गरीबों के भोजन हुआ करते थे, कोदो कुटकी ये सब, आज इस पर विशेष ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी का है, और इस पर भी जोर होगा। जो मिलेट्स के जो अनाज हैं उसके उत्पादन पर और उसकी खरीदी पर भी विशेष जोर रहेगा। और दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर भी इस संकल्प पत्र में विशेष जोर है, और आने वाले वर्षों में हम ये दोनों क्षेत्र में, दलहन और तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, और हमको एक्सपोर्ट मतलब आयात करना नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रयास
रहेगा इस संकल्प पत्र में, इस पर भी जोर है। और किसानों को नैनो यूरिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल, इस पर भी जोर होगा। और किसान समृद्धि केंद्र का भी विस्तार होगा। ऐसे तमाम कार्य का विस्तार इस संकल्प पत्र में प्रावधान किया गया है, जिससे देश के हर वर्गों को लाभ मिले। आदिवासियों के सम्मान बढ़ाने का हमेशा पार्टी ने चिंता किया है। और बिरसा मुंडा जी की जो जयंती है 15 नवंबर, उसको गौरव दिवस के रूप में पार्टी मनाने के लिए वचनबद्ध है। और वनांचल क्षेत्रों में जैसे पर्यटन की बहुत संभावनाएं होती हैं, तो उसको बढ़ाने पर भी संकल्प पत्र में बहुत जोर है। और ऐसे क्षेत्रों में इको टूरिज्म का विकास पर भी जोर है। होम स्टे के अवसर से आदिवासी क्षेत्रों में लाभ तलाशने पर भी जोर रहेगा। और इससे ट्राइबल क्षेत्र की महिलाओं को भी विशेष सहायता होगा। शहरीकरण को पहले चुनौती माना जाता था, हम अवसर मानते हैं। सैटेलाइट सिटी विमानों का बेड़ा बढ़ाने से लेकर हर नगरीय सेवा का विस्तार करने का संकल्प हमारे संकल्प पत्र में है। ट्रक ड्राइवरों की भी चिंता करने का इसमें प्रावधान है। और समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहेगा, ऐसा हमारे 2024 के संकल्प पत्र में है। और जैसा मोदी जी ने कहा है कि जिसे पहले कोई नहीं पूछता था, उसे हम पूछते हैं। कुल मिलाकर 10 वर्ष के काम और अगले 25 साल का विजन, ये हमारे इस संकल्प पत्र में है। और इस विजन को पूरा करने की इच्छा शक्ति भी हमारी पार्टी के पास है। और इसके लिए हमारे संगठन में लोग भी हैं। हमारा नीति और नियत दोनों ठीक है। और जबकि विरोधियों के पास इसका सर्वथा मतलब अभाव है, उनके पास कुछ भी नहीं है। 2004 में हमारा ये देश आर्थिक रूप से 11वें स्थान पर था, और यूपीए के 10 साल में वो वहीं का वहीं रहा, 11वें से 10वें में नहीं आया। लेकिन जब वर्ष 2014 में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो 10 साल में उन्होंने 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक ताकत के रूप में इस देश को खड़ा किया। और अगले 5 साल में तीसरी ताकत के रूप में इस देश को खड़ा करने का हमारे इस संकल्प पत्र में पूरा प्रावधान है। 3 करोड़ और पक्का का मकान बनाने पर जोर है। घर घर सड़कें बनेंगी। 18 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें भारत विश्व का अग्रणी देश के रूप में स्थापित हुआ है। दर्जनों में हम विश्व के टॉप 3 पर आ गए हैं पिछले 10 वर्षों में। मोबाइल में, सेमीकंडक्टर में, सब में टॉप 3 में हमारा देश आ गया है। आज हम विश्व में तकनीक के मामले में 2रे स्थान पर हैं। 5G आदि के मामले में यूरोप अमेरिका को आज हमारा देश टक्कर दे रहा है। और अभी तक ये जो हमने आप लोगों के सामने में बात रखा है, ये तो खाली ट्रेलर है। और आगे और बहुत इस देश का विकास होना है। गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत की कार्य योजना पर 4 जून से ही काम शुरू हो जाएगा, जब 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आएगा और तीसरी बार आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी से गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत का जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगा। और भारत का विश्व बंधुत्व दुनिया के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। तो ये बात आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता तक पहुंचानी थी, इसलिए आज की इस प्रेस वार्ता में आप लोगों को बुलाए थे। धन्यवाद। एक एक करके ही हो पाएगा। क्या पौधों को पानी देते समय पाइप का उलझना